नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा एडमिशन सेशन 2020 से 2021 में महारानी कॉलेज की फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस मेरिट लिस्ट के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियली वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के दौरान हमें अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020 का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020 पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 मेरिट लिस्ट क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2020-21 का लिंक दिखाई देगा। यहाँ पर हम राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, यूरोपियन लैंग्वेज, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स और जैन अनुशीलन केंद्र की जो मेरिट लिस्ट है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। वर्तमान में अभी महारानी कॉलेज की फोर्थ लिस्ट जारी की गई है, तो यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फोर्थ मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज। सबसे पहले बात करेंगे हम BSc पास कोर्स के संदर्भ पर। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। अक्टूबर 2020 तक 11:59 तक जो फीस है वो जमा कराई जा सकती है और फीस ऑनलाइन जमा करानी होगी। तो यहाँ पर हम मेरिट के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं। इस PDF फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से इसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। बात करेंगे हम सेकंड लिस्ट के संदर्भ में। BA ऑनर्स डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। इस PDF फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। थर्ड है BSc मैथ पास कोर्स रिवाइज्ड। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। अक्टूबर 2020 11:59 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। अब बात करेंगे हम BSc बायो पास कोर्स। क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। अक्टूबर 2020 तक का समय दिया गया है फीस जमा कराने हेतु। इस PDF फाइल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे।
इसी तरह से बीएससी ऑनर्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स वेटिंग लिस्ट। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके हम इस प्रकार आसानी से देख सकते हैं। बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी और फिजिक्स, बीए पास कोर्स, सोलह अक्टूबर 2020, 11:59 तक हम फीस जमा करा सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। बीबीए बीकॉम पास कोर्स, बीकॉम पास कोर्स में पार्ट फर्स्ट, कैटेगरी जर्नल, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, बीकॉम पास कोर्स बीबीए, इसमें फीस के संदर्भ में भी जानकारी दी गई है। बीसीए सोलह अक्टूबर 2020 तक का समय दिया गया है फीस जमा कराने हेतु। बीकॉम एबीएसटी ऑनर्स, बीकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, बीकॉम ईएफएम,
बीएससी होम साइंस। इन सभी पीडीएफ फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इस तरह से फोर्थ मेरिट लिस्ट वाले विद्यार्थी 16 अक्टूबर 2020 तक ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। फीस जमा कराने के लिए हमें लिंक फॉर अंडर ग्रेजुएट फीस ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। महारानी कॉलेज यूनिवर्सिटी महारानी कॉलेज लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर हम फॉर्म नंबर फिल करेंगे। फॉर्म नंबर फिल करने के पश्चात हम सर्च पर क्लिक कर देंगे। जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे, पे नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, जहां पर हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग या गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन फीस जमा करा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSEVITHHSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।